अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज भी हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो ईद उल अज़हा आ रही है, जो बकरा ईद है हमारी, उसके लिए ये बहुत आइडियल सी रेसिपी तैयार हो गई। अगर आप इसको मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, तो इसका जायका जो टेस्ट है वो लाजवाब बनता है। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की कढ़ाई। हरी मिर्च में इसमें मैंने ली है ये 2 से 3 अदद है। ये थोड़ी स्पाइसी वाली ली हैं जो आजकल आई हुई हैं, 2 ली हैं मैंने ये हरी मिर्चें, और 2 ही मैंने ली हैं लाल मिर्चें जो फ्रेश होती हैं। दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैंने इकट्ठी करनी थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए लैदा लैदा रखी हैं। और ये है 1 किलो जितना चिकन लिया है मैंने, 1 किलो ही है। और ये है 1 कप दही, और ये है 2 से 3 अदर टमाटर जो है उनको ग्राइंड करके तो उनकी प्यूरी सी बना ली है। और यह है पिसी हुई प्याज, 1 लार्ज साइज़ की प्याज को कट करके उसको पीस लिया गया था। और यह है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी जाएगा 1 से 1.5 टीस्पून तक। और स्पाइसेस जो हैं वो ये होंगे, नमक है 1/2 चम्मच, सॉरी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है पिसा हुआ ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून है ये गर्म मसाला। और इसमें ये 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और साबुत धनिए का भी ज़रूर जाएगा, क्योंकि जब ये मुंह में इसके आते हैं ना दाने से हरे साबुत धनिए के, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, फिर मज़े के लगते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा नमक हम मैरिनेशन में डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से खुद ही डिवाइड कर लीजिए, कि मैंने सिर्फ 2 से 3 चुटकी कह लीजिए नमक डाला है इसमें, ठीक है। और अब इसमें जाएगा दही, और अब इसमें जाएगी ये मिर्चों का पेस्ट। अभी हम लाल मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, बाद में हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 इसमें हम 1 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून हम कुकिंग में डालेंगे। तो चले जो ये बाकी जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं ये कुकिंग के दौरान इस्तेमाल होंगे। इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मैरिनेट, ताकि जब तक हमने प्याज को भूनना है टमाटरों को, तो ये अच्छे से स्पाइसेस इसके अंदर रच जाएं। तो ये 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। बस इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट, जब तक हम वो प्याज और टमाटो प्यूरी को भूनेंगे, जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी तो हमने कुकिंग करनी है ना। चले अब मैं पतीली में ऑयल डाल के, तो ये देखे मैंने ऑयल डाल लिया था, और इसमें ये प्याज को मैं भून रही हूँ। बस 2 मिनट और इसे फ्राई करेंगे, और साथ में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच, और प्यूरी डाल देंगे। तो चले ये अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और ये जाएगी टमाटो प्यूरी साथ ही। चले अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे, जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो चले ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन, और इस चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे। चिकन को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन बस हमारा
डन होने ही वाला है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब इसमें मैं ये ड्राई मसाले डाल दूंगी, ये वाले। और ये चली जाएंगी हरी मिर्चें। तो चलें, ये देखें इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसको 2 से 3 मिनट भून के और इसको कवर कर दूंगी ताकि जो चिकन में कसर है ना गलने में थोड़ी सी, वैसे तो गल चुका है लेकिन अभी थोड़ी सी है इसमें कसर नज़र आ रहा है मुझे। तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इसमें आधा एक कप जितना मैंने पानी डाल दिया है और इसको अब मैं कवर कर दूंगी ताकि चिकन में जो कसर है वो अब पानी में इसे पक के तो गल जाए और अच्छे से हमारा चिकन जो है वो तैयार हो जाए। तो इसे अब मैं कर दूंगी कवर और अब इसे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि चिकन भी नीचे ना लगे। तो अब हम इसे देखेंगे 10 मिनट बाद। तो ये देखें तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट हो चुके पकते हुए। जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और सिर्फ ये इसकी थोड़ा सा मसाला जो ग्रेवी है वो रह गई है और चिकन है। बस हमने इसे ऐसा ही करना है, इससे ज़्यादा खुश्क नहीं बनाना। तो चले अब हम इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा मज़ेदार सा हरी मिर्च वाला जो चिकन है वो तैयार है। हरी मिर्च की चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।